राजधानी के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में चतुर्थ आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की। वही कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक और मंत्री डॉक्टर खुश शर्मा, सांसद रामचंद्र बोहरा सहित आयुष विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आयुर्वेद भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, जिसके जरिए स्वस्थ और दीर्घायु बनाया जा सकता है। वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान में 500 वेलनेस सेंटर खोलने की अनुमति दी है, जिसे केंद्र सरकार 60 और राज्य सरकार 40% खर्च करेगी। आयुर्वेद हमारी पुरातत्व संस्कृति है और हमारी पुरातत्व संस्कृति में आयुर्वेदी एकमात्र उपचार करने का चिकित्सा पद्धति थी। अब नए परिवर्तन के समय हम आयुर्वेद के माध्यम से, हम पंचकर्म के माध्यम से किस तरीके से भारत को स्वस्थ और दीर्घायु बना सकते हैं, इसके लिए आयुर्वेद का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और आयुर्वेद में रिसर्च, नए शोध कर आयुर्वेद के माध्यम से किस तरीके से परमानेंट बीमारियों को समाप्त किया जा सकता है, इसके लिए नए नए रिसर्च भी हो रहे हैं, नए नए इनोवेशन भी हो रहे हैं। देखिए, भारत सरकार ने राजस्थान को 500 हेल्थ और वेलनेस सेंटर दिए हैं। अभी 3 साल में हमको ग्रो करने हैं और इसके लिए 40% जो राशि, क्योंकि ये 60-40 के रेशियो पे दिए हैं भारत सरकार, 60% पैसा भारत सरकार खर्च करेगी, 40% पैसा राजस्थान सरकार। हमने अपनी तरफ से उनको रजामंदी दे दी है कि राज्य सरकार 40% पैसा खर्च करने को तैयार है, 60% की स्वीकृति आप जारी करें। वही मैंने माननीय आयुष मंत्री जी, भारत सरकार।